गरीब छात्र ने अपना सपना खुद पूरा किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। लखीमपुर खीरी जिले में एक दसवीं के छात्र ने बाइक ना खरीद पाने के चलते 3000 रुपए खर्चे में कबाड़ से खरीदे गए सामान की बाइक तैयार कर दी, जो 1 लीटर पेट्रोल में 120 किलोमीटर चलती है। मामला लखीमपुर खीरी जिले के मैलानी कोतवाली क्षेत्र का है, जहां कस्बे के रहने वाले दसवीं के छात्र रजनीश कुमार ने गरीबी के चलते महंगी बाइक ना खरीद पाने के चलते कबाड़ से ही मिलने वाले सामान को खरीद कर लगभग 3000 खर्च में जुगाड़ की बाइक बना ली, जो 1 लीटर में 120 किलोमीटर चलती है। दसवीं के छात्र रजनीश कुमार की माने तो उनके पास महंगी बाइक खरीदने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन बाइक चलाने की इच्छा बहुत थी। उन्होंने सोचा कि वह सस्ती बाइक बनाए जिसके स्कूल जाने और कहीं जाने में आसानी हो सके। उन्होंने कबाड़ से कुछ सामान खरीदे और उसके बाद अपनी साइकिल में फिट कर 1 हफ्ते की कड़ी मेहनत के बाद बना दी बाइक, जो लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और 1 लीटर में लगभग 120 किलोमीटर का सफर तय करती है। रजनीश के इस उपलब्धि पर आसपास के लोग उसकी सराहना कर रहे हैं। वहीं ये खबर दिखाने का श्रेय इसलिए है क्योंकि ऐसे तमाम बच्चे हैं जो अपनी इच्छाएं खुद पूरी करते हैं, पैसे के अभाव में भी अपनी इच्छाएं और अपने सपने को जरूर पूरा करते हैं। रजनीश को बहुत सारा बधाई। आप देख रहे हैं लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता आजाद हुसैन की रिपोर्ट। नाम है और साइकिल बनाने में कितना खर्चा आया? साइकिल, हमारा नाम रजनीश कुमार है। साइकिल बनाने में 3000 रुपए तक खर्चा आया सर। कैसे कैसे साइकिल बनाई तुमने? जी, कबाड़ से खरीद लेके आए हैं मोटर और मोटरसाइकिल वाले दुकान से चैन खरीदी है सर, तो बनाई है बिल्डिंग होके। जी, कितना खर्चा, कितने दिन लग गया बनाने में? इसमें 2-3 दिन लगे हैं सर। क्या सोच के बनाई थी मोटरसाइकिल? अरे सर, मोटरसाइकिल ले नहीं पाते थे, घूमने का मन कर रहा था तभी बनाई सर। कौन सी क्लास पढ़ते हैं? हाई स्कूल में सर।